दोस्तों चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड, यानी कि पाकिस्तान की फिल्मी ट्रेलर, मैं उनको एक ही मयार पे परखता हूँ। वो मयार होता है कि ऑडियंस को कौन सी फिल्म अच्छी लगेगी, किस तरह का उनका रिस्पांस आएगा और स्पेशली मेरा अपना रिस्पांस क्या होगा। अगर उस मयार के मुताबिक नहीं होती तो आपको मालूम है मैं जिस तरह के रिएक्शन रिव्यू देता हूँ, आप लोग मुझे बहुत गाली देते हो। क्या यार, एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। भाई मैं बड़े दिनों के बाद किसी पाकिस्तानी फिल्म का ट्रेलर लेकर आया हूँ आपके लिए, जिस पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। फिल्म का टाइटल है जरार। शान पाकिस्तान का मेगा स्टार इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है। ही इज़ अमेजिंग एक्टर, हम सब पसंद करते हैं उसको। साथ में है किरण मलिक और नदीम बेग। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आई कांट वेट टू वॉच द ट्रेलर। शान माय फेवरेट एक्टर। बिना कोई टाइम जाएगी आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद इस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे वाकई इज वर्थ टू वॉच और नॉट। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। London. You live in Pakistan with a title of failed state, and your job is done. किसी आसपास के मुल्क में कोई बड़ी देश जिसका पाना वाला पाकिस्तान। Top three most wanted on the U.S. most wanted terrorists are all in Pakistan. We economic hitmen are the first line of defense when we go in and we try to corrupt governments. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objective. Hame jihad hai Kashmir se kya? Humne jihad Pakistan se shuru karna. Cheers to the dark future of Pakistan. Kehte hain agar aman chahte ho to jang ki taiyari karo. My name is Zarrar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Pakistan is a threat. And we have the right to finish what we can't control. Next one. Ek team ko taiyar rakhiye ki wo nikal le ya kharab kar de Pakistan ke enemy assassin ko. Nuclear material could fall into the wrong hand. You should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has to offer. Pata nahi कब, कहां और कैसे? I guess that's what love is. किरण मलिक। Like the music. महावीर सिंह राजपूत। Deadline है। Solid man. Men die, sir. Wars don't die. Men die. So what you will do now? Find peace, sir. Find peace. Very impressive. Bleed green. Shaan Shahid. Wow, what a trailer.
I really enjoyed it. Surprisingly brilliant. Bahut subtle trailer tha. Koi over the top action nahi, koi over the top dialogues nahi, koi over the top exaggerated scenes nahi. Jo spy movies ki tone hoti hai na, exactly wahi tone barqarar rakhi hai throughout the trailer at least. Jab film release hogi tab dekhenge. Lekin trailer aisa banaya hai ki tone jo hai bahut subtle hai. Hamare Shan bhai ऋतिक रोशन की तरह एक्शन रीप्ले तो दिखाई दिया जैसे ऋतिक ने वॉर में दिखाए थे बहुत सारे. आई होप कि पूरी फिल्म में इतने सारे एक्शन रीप्लेज ना हो, थोड़ा रियलिटी के क्लोज होना चाहिए. दूसरा, शान की डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है. फाइटिंग सीन्स अच्छे हैं, कन्विंसिंग है. फिल्म की कहानी असल में है क्या नहीं मालूम, लेकिन पैट्रियाटिक मूवी लग रही है. अपनी कंट्री को सेव करने वाली मूवी है. किस तरह से ISI एजेंट अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को तबरदूस करता है, कला कमा करता है उनका. तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं ISI की पाकिस्तान के लिए, और तभी तो यार दुनिया मानती है वन ऑफ द टॉप सीक्रेट एजेंसी इन द वर्ल्ड ISI. कोई वजह है तभी तो. साथ में है किरण मलिक. किरण मलिक शी लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल एक्चुअली. स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, बट डायलॉग डिलीवरी कर पाएगी, सीन्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी, आई डोंट नो. मैंने कभी नहीं देखा उसको एक्टिंग करते हुए, तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता लगेगा. साथ में है नदीम बेग. नदीम बेग वाओ, लेजेंडरी एक्टर. स्क्रीन प्रेजेंस ही काफ़ी है, चाहे वो डायलॉग बोले ना बोले, उसका चेहरा एक्सप्रेशन से, आँख से जो वो डिलीवरी करते हैं डायलॉग्स की, ज़बरदस्त. लेजेंडरी एक्टर हैं पाकिस्तान के नदीम बेग, तो उनकी प्रेजेंस भी इसमें चार चांद लगाती है. ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा है. मुझे थोड़ा सा लाउड लगा बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो रॉक स्टाइल पॉप म्यूज़िक इसमें डाला है थोड़ा सा लाउड लगा है, लेकिन सिनेमा में तो लाउड म्यूज़िक के बगैर मज़ा नहीं आता. एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है. बहुत मेहनत से फिल्म बनी है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग है आप यूँ समझ लो, क्योंकि 2016 में इसको अनाउंस किया था, 17 या 18 में स्टार्ट हुआ था इसकी फिल्मिंग, फिर रुक गई थी, फिर स्टार्ट, फिर रुक गई थी. तो बहुत मेहनत हुई है इस फिल्म में, खर्चा भी ठीक ठाक हुआ है इस फिल्म को बनाने में. मेरे बजट भी ठीक ठाक है इसका, एक्चुअली मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या फिगर है, लेकिन बजट ज़्यादा है. तो इस फिल्म को मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है. इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिलीज़ करना है. इंडिया में भी रिलीज़ करना चाहो तो कर सकते हो. बांग्लादेश, चाइना अच्छी मार्केट है, मिडल ईस्ट, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, दे आर गुड मार्केट. इस फिल्म को मार्केट करना भाई, ऐसे मत रिलीज़ करना जो पाकिस्तान की दूसरी फिल्मों के साथ हुआ है. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बिल्कुल पाकिस्तान में चल तो पाई हैं, लेकिन बाहर कोई भी रिकग्नाइज़ नहीं करता. लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल की मूवी है, इसको बाहर रिलीज़ करना मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है. अगर आप लोग मेरा ये रिएक्शन या रिव्यू देख रहे हो तो प्लीज़ सुनना ज़रूर. भले ही आप 2 महीने एक्स्ट्रा ले लो, इतना सारा टाइम लग गया है ना, 2 महीने और लगा दो कि मार्केटिंग अच्छी करना. और वर्ड द माउथ बहुत ज़रूरी है. जो जो उस पर रिएक्शन और रिव्यू कर रहा है उसको करने देना, ब्लॉक मत करना, ठीक है? फ्री मार्केटिंग होगी आपकी, तो आप मत रोकना इसको. तीसरी बात, ये जो है ईद पर रिलीज़ होने वाली है. कोरोना भाई ने अगर इजाज़त दी तो शायद हो जाए रिलीज़, मगर आई डोंट थिंक सो, डाउट है. तो ये डिले होगी फिल्म अगेन, और हो सकता है इसके फेवर में ही बात जाइए. तो ईद पे तो नामुमकिन है ये रिलीज़ हो जाए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त, और अभी पता नहीं क्या हो कोरोना वायरस के बाद, वल्लम बिस्सवाब. तो अगर डिले हो जाती है, नो डाउट, हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने भी बहुत सारी फिल्में जो हैं रोक दी हैं, शूटिंग रोक दी हैं इसी वजह से कि नुकसान ना हो. दैट्स इट गाइस. अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय.